मैच नहीं होना चाहिए था, जब हम पाकिस्तान के इतने अगेंस्ट हैं कि अगर हमारे यहाँ महंगाई होती तो पाकिस्तान जिम्मेदार, पेट्रोल महंगा होता है तो पाकिस्तान जिम्मेदार, इवन बारिश भी होती तो बादल ही पाकिस्तान छोड़ता है, तो फिर क्यों आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना के अंदर तो गुटरगू कर रहे हैं, मैच खेल के करोड़ों रुपये छाप रहे हैं और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान पाकिस्तान करके भारत की बेवकूफ़। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। भाई खेल में तो जीत हार होती है ना, कोई टीम जीतती है कोई हारती है, तो इसमें एक मोहम्मद शमी को टारगेट करना ये बताता है कि हेट्रेड, रेडिकलाइजेशन और कमरलाइजेशन कितना बढ़ चुका है और कौन फैला रहा है इसको। जो वहाँ पर नौटंकी चल रही थी, 6-6 साल की बच्ची के थैले कंगाल कंगाल कर देख रहे थे आप, कितनी सिक्योरिटी के आलू भी निकाल लिया, कभी आलू में कोई बम हो, आलू बम हो, शलजम बम हो, गोश्त बम हो, तो जब आपने निकाल दिया 30-40 गाड़ियाँ अपने एक से डिज़ाइन करवा के आप पहुँचे थे, तो कौन से कश्मीर में गए थे आप, मंगल ग्रह गए थे जो आप इतनी सिक्योरिटी के साथ गए थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, शहीद हो रहे हैं हमारे जवान, लेकिन जब मैच हो गया उसके बाद मोहम्मद शमी को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? मेरा अब तो पहला कहना यही है कि क्रिकेट को एक एंटरटेनमेंट की तरह लेना चाहिए, क्रिकेट को एक जिहादी इशू बनाकर एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर शमी को टारगेट करा जा रहा है तो बिल्कुल गलत करा जा रहा है। क्या शमी ने अपना 100% इस टीम में नहीं दिया? अगर शमी एक अच्छा प्लेयर ना होता तो आप खुद सोचिए क्या वो भारत की नेशनल टीम में खेलता? और अगर टीम हार जाती है तो सारा ठीक रहा, एक मुसलमान प्लेयर पर फोड़ना वो गलत बात है। आप ये देखिए कि ओवैसी साहब कहीं ना कहीं सही कह रहे थे, शमी को निशाना बनाया जा रहा है कल के क्रिकेट मैच की हार का, ये तो ये बताता है कि फ़िरका परस्ती, रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड मुस्लिम्स के ताल्लुक से कितना बढ़ चुका है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। भाई खेल में तो जीत हार होती है ना, कोई टीम जीतती है कोई हारती है, तो इसमें एक मोहम्मद शमी को टारगेट करना ये बताता है कि हेट्रेड, रेडिकलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन कितना बढ़ चुका है और कौन फैला रहा है इसको। ये तो जवाब देना पड़ेगा। क्या बीजेपी की सरकार कंडेम करेंगी उन लोगों को जो आज एक 11 में से एक प्लेयर को जो सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको अनाप शनाप उसके बारे में बकवास बका जा रहा है? ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है, वो तो इंडिया की टीम के लिए खेल रहा था ना। ये मैच नहीं होना चाहिए था, जब हम पाकिस्तान के इतने अगेंस्ट हैं कि अगर हमारे यहाँ महंगाई होती तो पाकिस्तान जिम्मेदार, पेट्रोल महंगा होता है तो पाकिस्तान जिम्मेदार, इवन बारिश भी होती तो बादल ही पाकिस्तान छोड़ता है, तो फिर क्यों आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना के अंदर तो गुटरगू कर रहे हैं, मैच खेल के करोड़ों रुपये छाप रहे हैं और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान पाकिस्तान करके भारत की बेवकूफ़ जनता को और ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे हैं। जिस तरह से ये भी तो कहा जा रहा है ना कि वो अंतर्राष्ट्रीय मामला था, ICC डिसाइड करेगी, तो मैच होना था जैसा ने जैसा कहा? ऐसा कुछ नहीं है, मैच होना था, वो हमारी मजबूरी नहीं थी। अगर हमारे किसी मुल्क के साथ ख्यालात अच्छे नहीं हैं, हमारे मामलात अच्छे नहीं हैं, और जब ज़बरदस्त तरीके से हम उसको टारगेट कर रहे हैं और इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं कि जी कश्मीर में कोई भी मरता तो पाकिस्तान ने मरवाया, वो अलग बात है कि इन्होंने क्या वादा करा था, जब हम 370 हटाएंगे तो पाकिस्तान से आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान हमारे यहाँ के आतंकवाद नहीं मचाएगा। तो सवाल तो ये भी उठता है, मोदी जी जब 370 वहाँ से हट चुकी तो फिर वो कौन लोग हैं जो वहाँ पर जाकर उत्पाद मचा रहे हैं कश्मीर में? तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप एक जगह तो एक मुल्क को टारगेट करते हैं, दूसरी तरफ उस मुल्क के साथ आप गुटरगूं करके पैसा छापते हैं, मैच करते हैं, तो मैच नहीं होना चाहिए। भारतीय BCCI जो भी है वो हमारी मुल्क से ऊपर नहीं है, मुल्क के रूल से ऊपर नहीं है, जमहूरियत से ऊपर नहीं है, हमारे भारत के संविधान से ऊपर नहीं है, भारत की सिक्योरिटी से ऊपर नहीं है। मैच होना ही नहीं चाहिए था, मैच क्यों हुआ? भारत से ऊपर नहीं था पाकिस्तान का मैच? जब पाकिस्तान इतना बुरा है, इतना बुरा है कि वो हर काम में भारत के अड़ंगे लगाता है, तो फिर हमारी टीम पाकिस्तान के मुल्क से खेलने क्यों जाती है? ये सवाल बनता है। आप सब लोगों को इस वाली बात पर बहुत ज़्यादा स्टोरियाँ करनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि 370 हट गया है, लेकिन अमित शाह ने आज जहाँ संबोधन किया वहाँ कश्मीर में, तो वहाँ से जो बुलेट प्रूफ शीशा था वो हटवा दिया, उन्होंने कहा सब सुरक्षित है। कहाँ से हटवा दिया? अमित शाह तो इतने डरे हुए हैं कि जब वहाँ पर गए, आप कश्मीर का देखो, 4 दिन से जो वहाँ पर नौटंकी चल रही थी, 6-6 साल की बच्ची के थैले कंगाल कंगाल कर देख रहे थे आप, कितनी सिक्योरिटी के आलू भी निकाल लिया, कभी आलू में कोई बम हो, आलू बम हो, शलजम बम हो, गोश्त बम हो, तो जब आपने निकाल दिया 30-40 गाड़ियाँ अपने एक से डिज़ाइन करवा के आप पहुँचे थे, तो कौन से कश्मीर में गए थे आप, मंगल ग्रह गए थे जो आप इतनी सिक्योरिटी के साथ गए थे? और किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं अमित शाह? आप तमाम दुनिया में आप बेनकाब हो चुके हैं, खासकर आप पूरे हिंदुस्तान में
बेनकाब हो चुके हैं कि आप एक नहायती घटिया गृह मंत्री हैं। आप वाकई तड़ी पार थे, तड़ी पार हैं, तड़ी पार ही रहेंगे।